सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अविनीश तिवारी जी से। हरिओम। क्या सुबह उठकर आपके चेहरे में सूजन रहती है, पैरों में सूजन है, हाथों में सूजन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत तनाव में हैं? जब जब आप बहुत तनाव में रहेंगे, रात की नींद आपकी खराब रहेगी या आपका थायराइड ग्लैंड्स एबनॉर्मल रहेगी। गले में थायराइड ग्लैंड्स होती है T3, T4 और TSH। यदि तीनों एबनॉर्मल हैं तो आपको पैरों में सूजन आएगी, चेहरे में सूजन आएगी, बाहें आपकी टाइट हो जाएंगी और खूब नींद आपको आएगी। मतलब कि मिश्रित आपके थायराइड ग्लैंड्स गड़बड़ कर रही है। अब करना क्या है, उसके लिए योग में सर्वांगासन की क्रिया सबसे बढ़िया क्रिया मानी जाती है। सर्वांगासन थायराइड की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही गुणकारी है। उष्ट आसन, भुजंग आसन और योग में क्रिया है बंद की। बंद में आपको अपने चिन्ह को यहां पे लॉक करना है। इसको कहते हैं जालंधर बंद। तो इस बंद को आप करते हैं, पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की मसल्स को अंदर खींच के उड्डयन बंद करके करते हैं, तो आपकी थायराइड ग्लैंड्स जो गड़बड़ कर रही है वह सामान्य हो जाती है। प्राणायाम, प्राणायाम क्रिया में चंद्रवेदन प्राणायाम जितना लंबा आप करेंगे, यानी बाई नाक से गहरी श्वास लेना है छोड़ना है, उस समय आपके तनाव दूर होंगे, आपकी मानसिकता सकारात्मक होंगी और चेहरे की सूजन एक सप्ताह के अंदर जड़ से खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे अपनी दवाइयों को आप कम करते जाइए। और एक काम की बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पानी बहुत कम पी रहे हो? पानी कम पीने से भी पैरों में सूजन आती है, हाथ में सूजन आती है, चेहरे में सूजन आती है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप
पानी का सेवन बढ़ा दीजिए, सूजन अपने आप खत्म हो जाएगी। हरिओम। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिलाकर करीब 40 अंश का कोण बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा रुकते हैं, पैर ऊपर बढ़ाइए, 90 अंश के कोण पर लाते हैं। पैरों को सिर की तरफ लाएं और दबाइए, हरासन की तरफ आएं और धीरे धीरे दोनों पैरों को आसमान की ओर ले जाइए, दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास में, अधिकतम पैर को ऊपर खींचें। आप देख रहे हैं गर्दन पर दबाव पड़ रहा है, पैरों का रक्त संचालन जांग, पेट और थायराइड की तरफ हो रहा है। 3 मिनट मिनिमम इसमें रुकना चाहिए और 11 मिनट तक। सर्वाइकल पेन की मरीज क्रिया को ना करें। यदि आपको लगातार गर्दन में जकड़न है, अकड़न है, तो सर्वांग आसन प्रतिबंधित माना गया है। वजन, मासिक धर्म ऐसे बहुत सारे रोग को खत्म करने के लिए क्रिया लाभकारी है। इसी में आप पन्नियों केवल नमस्कार मुद्रा कर सकते हैं, इससे थोड़ा पैरों को विश्राम प्राप्त होगा। अब आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्म आसन लगाने से रक्त संचालन पैरों को रुकता है और हृदय की तरफ उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह है पद्म सर्वांग आसन। अब धीरे धीरे दोनों घुटने मोड़कर चेहरे के पास मिलाएं, पद्म गर्भासन क्रिया। आप देख रहे हैं पेट पर दबाव महसूस हो रहा है, चेहरे पर दबाव, पीठ पर दबाव, जांग की पेशियों पर दबाव। इस क्रिया में 30 सेकेंड के ऊपर न रुकें। पैर खोलकर आसमान की तरफ ले आए, विपरीत करनी। विपरीत करनी क्रिया संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के लिए लाभकारी है, यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए। इससे अच्छा योगासन और नहीं है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है। हलासन में आइए और धीरे धीरे आप पैर को आहिस्ता से वापस ले आए। पैरों को जमीन में पटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे से रखें, कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आसनों का अभ्यास करें। सर्वांग आसन। कंधों के बल आप संतुलित होते हैं, भार कंधों पर, हथेलियां कमर के पीछे लगी होती हैं। यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है, T3, T4, THH। वेरिकोस वेन्स आपका बढ़ रहा है, पैरों में दबाव बढ़ रहा है, पिडली में दर्द है,
जांग में दर्द है तो रक्त संचालन हृदय की तरफ बढ़ेगा, थायराइड की तरफ बढ़ेगा। तो सर्वांगासन थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, सामान्य करने के लिए योग में सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है, सबसे बढ़िया क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया का अभ्यास आप लंबे समय तक करें, हृदयघात की संभावनाएं कम होती हैं, वजन में कमी होती है, चेहरे की सूजन खत्म होती है। महिलाओं का मासिक धर्म सामान्य करने के लिए इस आसन का प्रयोग जरूर करें। पुष्ट आसन, घुटने के बल खड़े होकर एड़ियां घुटने में लाकर स्पाइन को लचीला करते हुए दाएं हाथ से दाएं एड़ी पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़कर लोहार की धोंकनी के समान आप गहरी श्वास लें, छोड़ें। आसन, घुटने के बल खड़े होकर दाएं हाथ से दाएं एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ते हैं, सिर पीछे झुका रहता है। सर्वांगासन करने के बाद इस आसन को करना ही चाहिए। सीने का भार कम होता है, कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ आपकी कम होती है, थायराइड ग्लैंड्स आपकी नॉर्मल होती है, T3, T4, TSH आपका सामान्य होता है, पेट आपका साफ होता है। शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए यह क्रिया गुणकारी है। भुजंग आसन यानी सांप की आकृति, सर्प। चिन आपकी जमीन में, एल्बो और हथेली आपकी जमीन में, पूरी श्वास भरते हुए चिन को आसमान की ओर खींचें, इतना खींचें कि पीठ और सीने पर, चेहरे पर दबाव पैदा हो, कमर पर खिंचाव पैदा करिए, चेस्ट की पेशियों को, चिन की पेशियों को, चेहरे की तमाम पेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं, श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाते हैं। फिर यही क्रिया पूरी श्वास को अंदर भरकर चेस्ट की संपूर्ण मांसपेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं, और खींचें और खींचें, इतना खींचें कि आपकी पूरी पीठ पर दबाव पैदा हो। संसार के तमाम रेप्टाइल्स इसी स्थिति में रहते हैं, तब उनकी हृदय की आयु बढ़ जाती है। अब यही क्रिया आपको पूर्ण भुजंगासन के रूप में करना है, यानी फुल स्नैक पोस्चर कहलाता है। इस क्रिया में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में और कुहनी आपके आसमान की तरफ,
श्वास लेते हुए चेस्ट की पूरी पेशियों को आसमान की ओर खींचें। आप महसूस करेंगे कमर के निचले भाग पर, पीठ और गर्दन के भाग पर एक दबाव पैदा हो रहा है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सीना और ठुड्डी आपकी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। इस क्रिया को पुनः करें। पूरी श्वास को अंदर भरकर रोक कर पीठ कमर जांघ में दबाव महसूस करें। आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। थोड़ा आराम लीजिए। प्रत्येक आसन करने के बाद थोड़ा सा शवासन करना चाहिए। भुजंग आसन, पेट के बल लेटकर सीने के ऊपर खींचना है। हृदय पर दबाव कम होगा, तिल्ली यानी स्प्लिन आपकी स्वस्थ होगी। हृदय के नीचे जो हमारा डायफ्राम है वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। यदि कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स में यदि कोई क्लॉटिंग की संभावना है उसको खत्म करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। इसमें अर्ध भुजंगासन है और पूर्ण भुजंगासन है। सर्वाइकल पेन के मरीज अर्ध कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन ना करें। पेट बढ़िया साफ होगा, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए भुजंगासन लाभकारी है। स्किन आपकी चमकदार होगी, चेहरा आपका चमकदार होगा। दवा के मरीज के लिए भुजंगासन की क्रिया लाभकारी मानी गई है। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ गहते हुए बाएं कोहनी पर हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। दाएं चित्र बंद कर दीजिए और बाएं नाक से लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें। यानी चंद्रवेदन प्राणायाम। दिमाग के तनाव दूर होंगे, हृदय के स्पंदन सामान्य होंगे। जरा जरा सी बात में हृदय के स्पंदन असामान्य हो रहे हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम भी आपको हो रहे हैं। इन सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी बाएं नाक से आप 20 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी होगी उतना ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं।